मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं गया से बिलोंग करती हूँ, मगध कॉलोनी में रहती हूँ और मेरा थाना मगध मेडिकल है। मैं मनीष कुमार और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर बरदाह है और थाना सिद्धल्ला है। हम लोगों ने 2 जुलाई 2021 को शादी कर ली है। हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे। हमारा एक इंटर कास्ट मैरिज है और हम दोनों मतलब ये सेटल्ड है और मैं एक मतलब ग्रेजुएट हूँ फिर भी। और शादी के बाद इन्होंने अपने घर वालों को भी वीडियो के जरिए बता दिया था, पर 6 जुलाई के इनके घर वाले मतलब इनके मायके वाले आए और बहुत सारे धमकियां देकर गए हैं कि जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुम लोग को घर से नहीं निकलने देंगे। जहाँ तक मुझे पता चला है कि मुझे यहाँ से ले जाने के बाद जहर देकर मार दिया जाएगा या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी करके बस उनका उसका ब्लेम इन पे लगा के और केस कर दिया जाएगा अपहरण का। मुझे ये सब पता चला और ये सब पता क्या मेरे पास प्रूफ है कि ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। और ऐसा जो धमकी दे करके गए थे वो इनके ममेरे भाई है, अविनाश कुमार सिंह नाम है उनका, रिंकू भी हम लोग बोलते हैं उनको। वो मतलब पूरी तरह बोल के गए हम लोग क्रिमिनल हैं, ये हैं, पुलिस और नेता को पैकेट में रखते हैं, फेवर में तुम्हारा फैसला भी आ जाएगा फिर भी तुमको परेशान किया जाएगा, बहुत कुछ बोल के गए हैं, पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। आज 11 जुलाई है, आज भी उन लोग हमारा थाना में सिद्धल्ला में आए हुए थे, इनके पूरे फैमिली, उन्होंने मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थाना में बुला करके बुलाइए और ये बता रहे हैं कि ये नाबालिग हैं, जबकि फिर पुलिस आए मेरे घर पे और उन्होंने बयान भी लिया, उनको आधार कार्ड दिखाया गया, इनका 10th का सर्टिफिकेट दिखाया गया और उनको बताया गया कि इनकी एक जॉब भी हो चुकी है। अब सबको पता है कि नाबालिग को जॉब कैसे मिल सकता है, मेरा टीचर में जॉब होने वाला था, मैं नाबालिग रहती तो मेरा जॉब होता ही नहीं, इसलिए उन लोग मतलब कुछ भी झूठ का ब्लेम डाल रहे हैं हम लोगों पे। किसी भी तरह मैं वहाँ चली जाऊँ और उन लोग मुझे खत्म कर दें और उसका ब्लेम इन पे डाल दें। और इनके पूरे परिवार लगे हुए हैं, इनके मामा के घर वाले या फिर इनके घर वाले सब लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि इन्होंने समझा दिया अपने मम्मा को भी कि आपको पहले भी बताए थे और हम खुश हैं यहाँ, हर चीज इन्होंने 6 तारीख को पूरे मतलब मेरे घर पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, सारी जनता के सामने इन्होंने बयान दिया कि हम यहीं रहना चाहते हैं, उसका भी वीडियो हमारे पास है, फिर भी उन लोग किसी न किसी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि हम एक वीडियो डालें अपना सेफ्टी के लिए। अब मुझे जैसा लगता है कि अपना सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और मेरा यही आग्रह है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे यही आग्रह है कि वो हमारी सुरक्षा प्रदान करें, जो भी पुलिस है हमारे सिद्धल्ला थाने के या फिर जो बिहार में जो भी पुलिस है, नीतीश सरकार उनसे सजेस्ट करे कि आप इन लोगों को सपोर्ट करें, सहयोग करें, हमारा भी अधिकार है। बस इतना ही कहना था अंत में, यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ रहा है, जबकि हम लोग बहुत कोशिश कर लिए, इन्होंने डालना चाहते तो बहुत पहले डाल चुके होते, लेकिन अब मजबूरन डालना पड़ा, मजबूरी है डालना। थैंक यू, जो भी इस वीडियो को देखिएगा प्लीज शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।